वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के अंदर बेसिकली करता क्या है, ये मशीन करती क्या है, इसको देखो। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर दो काम करता है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट की आई की वैल्यू को या एच की वैल्यू को या कैपिटल एम की वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे आपने एक बार मैग्नेट ली, एक बार मैग्नेट दो किस्म की ले लो आप, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम वन है और एक का एम टू है, तो ये कंपेयर करके बता देगा एम वन और एम टू की रेशियो क्या है। ये तुम्हें ये भी बता देगा कि तुम एक एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट का यहां कर रहे हो और एक दूसरी लोकेशन पे कर रहे हो, तो दोनों लोकेशन पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो क्या है। चलो तो करके दिखाता हूं, टेक्निक समझ लो। जब एक बार मैग्नेट को आप एक धागे से सस्पेंड कर देंगे तो ये कहां अलाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फील्ड एच के साथ अलाइन हो जाएगा। ऐसे ही है, जब आप एक बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल अलाइन करेंगे तो ये एच के साथ अलाइन हो जाएगा, ये बात मानते हो। जब ये एच के साथ अलाइन होगा, सोचो आपने इस हल्की सी लटकती हुई बार मैग्नेट को हल्की सी फोर्स लगा दी, हिल गया, फिर ये वापस एच पे आ जाएगा, लेकिन एकदम नहीं आएगा, मोमेंटम गेन कर लेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर एच की तरफ आएगा, थोड़ा इधर, देख रहे हो, एंगुलर SHM हल्का सा ऐसे घूमेगा, वाइब्रेट करेगा, और ये मोशन क्या होती है, एंगुलर SHM। प्रूफ नहीं करेंगे, जरूरत नहीं हमें प्रूफ करने की, सीधा फॉर्मूला नोट करो, इसमें टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नोट करो, 2π√i/mh, 2π√i/mh, i का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और h का मतलब जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड। ये फॉर्मूला नोट करें टाइम पीरियड का, और ये फॉर्मूला बुकलेट में भी नोट करें, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन पे, t=2π√i/mh पे, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेट। अब कैसे आएगा ये समझ लो, दो तीन केस आते हैं और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आज कर ही लेंगे। तो क्या करना है इसमें, टू कंपेयर, पहला टॉपिक है टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैपिटल M। तो तुम एक काम करो, एक मैग्नेट लो, दूसरी मैग्नेट लो, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M1 है और एक का M2 है, इस मीटर में डालो, टाइम पीरियड निकाल लो वाइब्रेट करने का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है दो बार मैग्नेट स्पेशल केस है कि इनका साइज आइडेंटिकल है, साइज आइडेंटिकल का मतलब आए मोमेंट इनर्शिया दोनों का सेम है। तो पहली मैग्नेट को पुट करो, टाइम पीरियड टी1 नोट करो, एम1 नोट करो, लोकेशन में अर्थ का फील्ड एच है और ये आई है। फिर दूसरा मैग्नेट पुट करो, आइडेंटिकल है तो आई सेम रहेगा, एच सेम है, टाइम पीरियड टी2, इन्हें डिवाइड करके एम1 एम2 की रेशियो आ जाएगी। तुमने ये तो याद ही नहीं करना ना, तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं कि ऐसा करना है। जब भी एक बार मैग्नेट की प्रॉब्लम आई कॉम्पिटिशन में और वो बार मैग्नेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करे, टाइम पीरियड की बात करे, पक्का यही टॉपिक है। पूरा एक महीना हो गया, ना टाइम पीरियड की बात हुई ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई, एक यही बार मैग्नेट का टॉपिक है जिसमें आई और टी यूज होता है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन कई बार वो कहेगा कि बार मैग्नेट का साइज इक्वल नहीं है, अब करो। पहले वाले केस में क्या था, बार मैग्नेट का साइज सेम है, इस केस में कह रहे जी सेम नहीं है, अब M1 M2 कंपेयर करो। तो दो बार करना पड़ेगा, कैसे, तुम दोनों मैग्नेट लेके आओ, दोनों का पहले नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रखो, तो डायपोल मोमेंट टोटल क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और फिर उन इनको पुट करके टाइम पीरियड T1 निकाल लो। फिर तुम एक मैग्नेट उल्टी कर दो, एक मैग्नेट उल्टी करने से ये क्या बन जाएगा, M1 माइनस M2, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो M1 माइनस M2, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो तुम पहले इसे टाइम पीरियड निकाल लोगे T1 M1 प्लस M2 करके, और मोमेंट इनर्शिया दोनों मैग्नेट्स का आए है, फिर तुम सेकंड का निकालोगे M1 माइनस M2 करके, इन्हें डिवाइड करोगे, डिवाइड करके रेशियो से M1 M2 निकाल लेना, कि तुम्हारी कैलकुलेशन ऐसे रट्टा मत मारो, पेपर में देखेंगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें। और तीसरा टॉपिक है, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का कंपेयर करना है, तो तुम एक मैग्नेट ले आओ, एक लोकेशन पे तुम पुट करो, एम डायपोल मोमेंट है, एच अर्थ का फील्ड है, फिर लोकेशन चेंज कर दो, मैग्नेट चेंज ना करो, मैग्नेट वही रखो, एम आई भी सेम है, लोकेशन चेंज करो, एच चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, डिवाइड करो, एच की रेशियो आ जाएगी।